नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोलिया। आज यहाँ पर इस यहाँ पर वीडियो में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपको यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए स्कूल मिल चुकी है, बट यहाँ पर जो है वो आप किसी भी कारणवश अगर आप चेंज कराना चाहते हो तो क्या तरीका है, किस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो स्कूल चेंज करा सकते हो, तो संपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिसमें आपको यहाँ पर जो है वो संपूर्ण आपको जानकारी यहाँ पर मिल सके। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर स्कूल चेंज कराने का संपूर्ण यहाँ पर जो है वो चर्चा करेंगे, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपको बिना स्किप के वीडियो को देखना है ताकि आपके जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर आधी अधूरी यहाँ पर जो है वो नॉलेज मिलती है तो वो किसी काम की नहीं होती, इसलिए कहता हूँ कि संपूर्ण चर्चा भले ही स्पीड बढ़ा लीजिए आप वीडियो की, बट आप संपूर्ण जो है वो जानकारी आप यहाँ पर सुन के जाइए। देखिए क्या प्रोसेस होता है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए अगर आप स्कूल चेंज कराना चाहते हो, फर्स्ट यहाँ पर जो है वह अगर बात करें, फर्स्ट जो चॉइस मिल चुकी है उन स्टूडेंटों का 99% यहाँ पर जो है वो, देखिए 99% उनका चेंज नहीं होने वाला है, 99% उसकी स्कूल चेंज नहीं होने वाली है। या फिर मान के चलिए अगर आप सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर देते हो, क्या सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट कर देते हो कि यहाँ पर बहुत मतलब ये मान के चलिए बहुत सीरियस आपके सिचुएशन है काफ़ी लंबा या जो भी रीज़न हो तो वो चेंज कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ यहाँ पर फर्स्ट चॉइस काफ़ी कम चांसेज होते हैं। अब इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंटों के यहाँ पर काफ़ी चॉइसें मिली है सेकंड थर्ड फोर्थ दसवें नंबर की जो भी है ना, तो उनके स्टूडेंटों का स्कूल चॉइस जो है वो स्कूल कैसे चेंज करना होगा प्रोसेस बताता हूँ। देखिए क्या होगा, आपके यहाँ पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप है ना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो और उस डिस्ट्रिक्ट में DLO ऑफिस होता है। देखिए फ़िलहाल मैं अगर बात करूँ जयपुर से, अगर आप डायरेक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, अगर जयपुर में आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हो तो आप जयपुर वाले DLO ऑफिस में जा सकते हो, शिक्षा संकुल कहाँ पर है वो उसका भी मैं एड्रेस दे दूंगा। अगर आप जो अगर पूछना चाहते हो तो JLN मार्ग पे है, JLN मार्ग पे आपको मिल जाएगा शिक्षा संकुल स्मृति वन के पास में। चलिए ये आपको मैंने बता दिया, या फिर जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी वाली रोड पे ही मिलेगा आपको। अब बात करें वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी होगी, क्या देनी होगी, एक तो एप्लीकेशन देनी होगी, साथ में आपका अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ पर जो है वो देना होगा, और आपका कॉलेज ID ये वहाँ पर जो है वो लगने वाली है। वहाँ पर जाके आपको एप्लीकेशन में जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पर मेंशन करना होगा, उसके बाद में चांसेज उनको बनता है या उनके पास में ऑप्शन होता है कि वो चेंज करे या नहीं करे, आपका जो रीजन है उसको देखकर वो चेंज करते हैं। तो आपको फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो चेंज कराने के लिए ये प्रोसेस रहता है, आपको कुछ नहीं ऑफलाइन होता है, आपको जाना है DLO ऑफिस में, आपको जाके वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी होती है, रिक्वेस्ट डालनी होती है, वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एक एप्लीकेशन हो गया, एक आपकी जो भी चॉइस है जिसमें भी आप लेना चाहते हो वो चॉइस लिस्ट, लगभग चार स्कूल वहाँ पर, चार से पांच स्कूल आपको अपनी चॉइस वाली स्कूल आपको फिल करके यानी पेपर में नोट डाउन करके एप्लीकेशन के पीछे या फिर दूसरे पेज में लिखकर आपको वहाँ पर देना होगा या एप्लीकेशन के पीछे वाले बैक साइड। तो आपको चॉइस, साथ में ID कार्ड और उसके अलावा आपको अलॉटमेंट लेटर, ये कहाँ पर DLO ऑफिस आपको जो है वो देना होगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं हम किस तरीके से। अब इसमें यहाँ पर आपके मन में यहाँ पर चल रहा होगा ये डाउट कि क्या हम यहाँ पर जो है वो ये चेंज कराने से पहले स्कूल ज्वाइन करें या नहीं करें, तो स्कूल चेंज करना होगा या नहीं करना होगा उसके बारे में बात करें। तो देखिए स्कूल ज्वाइन के बारे में कहूँ तो स्कूल बिना ज्वाइन करे भी यहाँ पर जो है वो आपकी स्कूल चेंज हो जाती है, स्कूल ज्वाइन करने के बाद में भी आपकी स्कूल चेंज हो जाती है, क्या दोनों चीज़ें मैंने बता दी है। अगर आप जयपुर वाले शिक्षा संकुल में जा रहे हो या शिक्षा संकुल ऑफिस में जा रहे हो जयपुर वाले में, तो जयपुर वाले की मेन बात मैं आपको बता दूं कि आपको ज्वाइन करके जाना है, क्या करना है, ज्वाइन करके जाना है, जो स्कूल मिल चुकी है उसको ज्वाइन करके जाना है, अदरवाइज वहाँ पर जो है वो पूछा जाएगा, देखा जाएगा। अगर आप स्कूल ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पर फेल्ड कर दी जाएगी, या फिर बात करें कि आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर जो है वो ली नहीं जाएगी, आपको बोला जाएगा कि आप पहले स्कूल ज्वाइन करिए फिर बाद में आप यहाँ पर आइए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जयपुर वाले स्टूडेंटों से कहना चाहूँगा कि जयपुर वाले शिक्षा संकुल में जा रहे हो आप, तो आप पहले स्कूल ज्वाइन करके ही जाना,
अदरवाइज अदर कहीं से हो तो आप बिना ज्वाइन करे भी जा सकते हो, आपकी वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं ले ली जाती है, और ज्वाइन करने के बाद में भी आप वहाँ पर चेंज करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए संपूर्ण चर्चा हमने कर दी है, अब रहती है कि आपकी एप्लीकेशन क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना है, वो फॉर्मेट में एक वीडियो बना दूंगा, उसके माध्यम से उस फॉर्मेट के माध्यम से आप जो है वो बना लीजिएगा अपनी एक यहाँ पर एप्लीकेशन, और उसके यहाँ पर जो है वो तरीके से आप वहाँ पर सबमिट करा दीजिएगा। तो फिलहाल जितने भी स्टूडेंट चेंज कराने के पक्ष में हैं वो नीचे फिलहाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप चेंज कराना चाहते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं वो स्कूल चेंज कराना चाहते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है, किसी प्रकार की कोई भी आप पर जो है वो आपकी क्वेरी नहीं रही होगी, और फिर भी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।